नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना राज फ्रॉम बीजापुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राज बीजापुर सॉक्टा पैड पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज के कंटेंट में मेरे पास में अवेलेबल है रोलैंड का एसपीडी एसएक्स सैंपलिंग पैड। एंड आज का कॉन्टेंट बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला। गाइस, आज के कॉन्टेंट में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ एसपीडी एसएक्स की 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग। एक ही वीडियो में आपको 3 सेटिंग्स मिलने वाली आज, वो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे। अगर इस तीनों सेटिंग्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ गाइस, तो जैसे कि एसपीडी एसएक्स में आपका पूरा बैकअप लोडेड होता है एंड आपको ये पता नहीं होता कि कितनी वेव्स लोडेड है ऑलरेडी, तो वो वेव्स आप चेक कर सकते हैं कि टोटली जैसे कि 1000, 1500, 2000, 2500 कितनी वेव्स लोडेड है, वो आप बिल्कुल लिस्ट से निकाल के चेक कर सकते हैं एक साथ में। और उन्हीं में से अगर कुछ एक्स्ट्रा है या फिर अननेसेसरी पार्ट है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं, वेव डिलीट का फंक्शन भी आज शेयर करूंगा। एंड सबसे लास्ट में एक असाइन सिस्टम होता है एसपीडी एसएक्स वेव का, असाइन सिस्टम होता है किट सिस्टम, जिसके थ्रू आप बिल्कुल किट बाय किट वेव को भी चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका 10 नंबर का किट बना हुआ, 10 नंबर के जो 10 नंबर में जितनी असाइन किट्स है, जितनी वेव्स किट है, वो एक साथ में बिल्कुल 1 by 1 आपको कैसे दिखेगी, ये 3 सेटिंग्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर गाइस यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है एंड आप एसपीडी एसएक्स यूजर है, तो बिल्कुल वीडियो को विदाउट स्किप देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। बिल्कुल आज का कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एसपीडी एसएक्स यूजर्स के लिए है। वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक करिएगा एंड चैनल पे नए आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब कभी नेक्स्ट कंटेंट ऐसे लेके आओ तब सबसे पहले इसका अपडेट्स आप तक पहुंचे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के ऑक्टापेड के फ्रंट पेज पर और ऑन स्क्रीन पर और देखते हैं आज की सेटिंग्स। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं ऑक्टापेड के फ्रंट पेज पर ऑन स्क्रीन पर और अभी यहां पर वो तीनों सेटिंग्स की एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं गाइस। अगर आपको इसका डिस्प्ले अच्छे से शो नहीं हो रहा था कैमरा एंगल से, तो आप थोड़ा सा जूम कर सकते हैं ताकि आपको इसके डिस्प्ले और इस डिस्प्ले के नंबर आराम से शो हो सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, जैसा कि मैंने आपको अभी आपको बताया है कि हम तीनों सेटिंग्स एक ही वीडियो में देखने वाले, एक ही वीडियो में एक्सपेरिमेंट करने वाले। तो गाइस, आपको वो तीनों सेटिंग्स में एक ही जगह पर, एक ही सेटिंग्स पर बताने वाला हूं एंड वो तीनों में से 1 by 1 अगर सेटिंग्स को एक्सप्लेन करना चाहो गाइस, तो एक तो हम बिल्कुल जो ये एसपीडी एसएक्स सैंपलिंग पैड है अभी आपके सामने, अब मान लीजिए इस सैंपलिंग पैड की टोटल वेव्स चेक करनी है कि इसमें टोटल कितने लूप्स भरे हुए, ठीक है, कितने टोन्स भरे हुए हैं, तो वो टोटल एक ही लिस्ट अपने को, मतलब एक ही जगह पे सारी लिस्ट कहां कैसे मिलेगी वो आज चेक करने वाले हैं कि टोटल आपके एसपीडी एसएक्स पैड में सारे टोन जो भरे हुए, जितने लूप्स भरे हुए सब एक ही जगह पर हमको कैसे मिल सकते हैं, ठीक है, उसकी लिस्ट कैसे देख सकते हैं। एंड सेकेंड बात, अगर उसमें से कोई लूप हमको नहीं चाहिए, अननेसेसरी पार्ट है, उसको डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भाइयों का कमेंट्स मेरे पास में ऑलरेडी आए हुए हैं कि उनके पास में सैम्पलर में लूप काफी एक्स्ट्रा लूप है, काफी एक्स्ट्रा ऐसे लूप है, कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर करा के, एक्सपेरिमेंट कर करा के बहुत सारे लूप्स बढ़ गए जिसकी वजह से उनको स्टोरेज में दिक्कत आ रहा, तो स्टोरेज को खाली करने के लिए भी अननेसेसरी लूप को डिलीट करना बहुत जरूरी होता, तो वो भी आज सीखने वाले कि वो लूप्स कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में एक असाइन सिस्टम, जैसे जो मैंने आपको अच्छे से आगे एक्सप्लेन भी किया है और अभी वापस बता दूं कि एक लिस्ट, वही लिस्ट में 1 by 1 जैसे कि किट के अनुसार आपके पास में लिस्ट बन के तैयार आ जाएगी कि एक नंबर का किट बना हुआ है तो एक नंबर के किट में आपकी कौन कौन से लूप एड हो रखे हैं, तो वो सारी चीजें आज हम चेक करने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिस्ट चेक कर लेते हैं कि इसकी लिस्ट इस एसपीडी एसएक्स में जितने भी लूप्स असाइन है, जितने भी लोडेड है, उसकी लिस्ट अपने को कहां मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो इंटरफेस दिख रहा है वहीं पर आपको सबसे पहले मेन्यू प्रेस करना है, ये जो मेन्यू दिख रहा है, मेन्यू प्रेस करने के बाद में ये जो फोर्थ कर्सर है, इस कर्सर की हेल्प से आपको आगे बढ़ना और यहां पर आना आपको यूटिलिटी पे, ठीक है। ये UTIL लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है यूटिलिटी, तो यूटिलिटी पे आना है। यूटिलिटी पे आने के बाद में आपको एंटर प्रेस कर लेना है। अब एंटर प्रेस करने के बाद में आपको यहां पर ये देखिए सबसे फर्स्ट टॉप में आपको वेव लिस्ट दिख रहा है, तो वेव लिस्ट में आपको ओके कर लेना है, ठीक है। अब वेव लिस्ट पे ओके करने के बाद में यही है आपकी पूरी टोटल वेव लिस्ट, जितने भी आपके इसमें कुछ कंपनी मेडेड भी होंगे तो वो भी इसी में शो होंगे एंड कुछ आपने लोडेड पैड्स होंगे, लोडेड वेव्स होंगी, लूप्स होंगे, तो वो भी आपको इसी लिस्ट में
शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप आके पता कैसे करेंगे कि कौन सी लिस्ट में क्या बना हुआ है, ठीक है। तो उसकी भी एक बहुत बढ़िया अच्छी सुविधा है आपको गाइज, ये प्ले करने को भी मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक 1 2 3 4 5 नंबर पे ये अभी ये लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। तो ये जो पैड चेक का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये देखिए मैंने पैड चेक किया, अपने को प्ले होके दिखा रहा है, ठीक है। अब 6 नंबर पे आते हैं, ये 6 नंबर वाला है, ठीक है। ऐसे ही किसी भी लिस्ट को आगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आगे चला गया, ठीक है, ये कुछ ड्रम की किक वगैरह है, ठीक है। तो ये ऐसे कोई भी लूप जैसे कि यहां से अपन प्ले करके भी देख सकते हैं। प्ले करने का फायदा ये होगा गाइस कि फॉर एग्जाम्पल अब यही लिस्ट, ये जो अभी मैंने किक प्ले की है, ठीक है, ये देखिए ये किक प्ले हो रही है। अभी इसको मुझे डिलीट करना है, तो आप यही से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला तो ये हो गया कि पैड का पूरा लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल ये लिस्ट, ये आप पूरा टोटली चेक कर सकते हैं कि टोटल मेरे SPDX में SX में कितने लूप्स असाइन है, कितने लूप लोडेड है, ठीक है। तो आप जैसे ही नीचे आएंगे पूरा लिस्ट आपके सामने इंटरफेस दिखता जाएगा और आप पैड चेक की हेल्प से इसको पूरा सुन भी सकते हैं, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं डिलीट की, तो डिलीट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए इस चीज को डिलीट करना, ठीक है। ये कितने नंबर का है, 48 नंबर का। अब 48 नंबर वाले को डिलीट करना है, तो डिलीट करने फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया अपना, फर्स्ट सेटिंग तो हो गई। अब सेकंड सेटिंग डिलीट की, तो आपको यही से क्विक प्रेस करना, ठीक है, यही से क्विक प्रेस करेंगे। क्विक प्रेस करने के बाद में आपको कर्सर की हेल्प से नीचे आना है। अब नीचे आएंगे, यहां पर लिखा हुआ वेव डिलीट, ये वेव डिलीट ऐसा इंटरफेस है गाइस कि यहां से बिल्कुल वेव को आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, ये एंटर प्रेस कर दिया एक बार श्योरिटी के लिए, और आपसे एंटर मांग रहा है ये एक बार और, जैसे ही एंटर प्रेस कर दिया बिल्कुल आर यू श्योर, अच्छा श्योर के लिए और एक बार और प्रेस करना आपको, और ये देखिए डिलीट कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये मैंने डिलीट करके आपके सामने लाइव दिखा दिया कि इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया डिलीट का। अभी मैंने तीसरी सेटिंग्स की बात करी थी आपके सामने गाइस की, तीसरी सेटिंग्स एक और असाइन वाली दिखाऊंगा, वो शायद एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में नहीं आया होगा, तो वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए गाइस, यहां पर आप नोटिस करिए, ये 1 2 3 4 5 वाली काउंटिंग बिल्कुल चालू है, और यहां से देखिए 43 44 45 ये नंबर्स वाइज आ रहा है, ठीक है। अब इसी पूरी लिस्ट को मान लीजिए नंबर्स वाइज अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि 1500 से 2000 2500 इतनी वेव्स लोडेड होती है, मेरे SPDSX में 2700 से भी ज्यादा लूप्स लोडेड है, ठीक है। तो 2700 से भी ज्यादा है, तो वो मैं ऐसे वन बाय वन कब चेक करूंगा, बहुत दिक्कत आ सकती है। तो अगर किट बाय किट अगर इसको असाइन करना चाहो तो वो कैसे कर सकता हूं, तो ये है आज की तीसरी सेटिंग, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको क्विक प्रेस करना है। क्विक प्रेस करने के बाद में देखिए, अब नीचे थे तो नीचे से वापस कर्सर की हेल्प से ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद में ये देखिए असाइन लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर पर असाइन लिस्ट लिखा हुआ है, आपको अच्छे से दिख भी रहा है। इस असाइन लिस्ट में आके आपको सिर्फ ओके कर लेना है, एंटर दबा देना, ठीक है। एंटर दबाने के बाद में देखिए किट वाइज आ जाएगा, ये देखिए सबसे ऊपर टॉप में आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ किट 001, यानी कि एक नंबर का किट है, यहाँ पे किट 001 इफेक्ट नाम है उसका, नाम भी आएगा किट वाइज, नाम भी आएगा, एक नंबर पर इफेक्ट्स है, और इफेक्ट में एक नंबर में 9 पैड्स होते, तो 9 पैड्स आप गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा मेरे एक नंबर वाले किट में इंक्लूड है। तो इस तरह से आपकी किट वाइज लाइन भी बनकर तैयार हो जाएगी, और बनकर आपके सामने पूरा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए किट 002 राज। अब ये आगे किट 9 पैड के अलावा भी है ना, ये जो आपका नंबर्स दिख रहे हैं ना, जो वेव्स दिख रही है ना, ये बिल्कुल FX जोन के हिसाब से। तो FX पे अपन एक कभी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, वो FX का एक सिस्टम अलग होता है कि कौन सी वेव्स FX में, तो वो FX वाली जो FX इफेक्ट में जो वेव्स असाइन की गई है वो उसका इंटरफेस बिल्कुल अलग रहता है, ठीक है। तो ये किट वाइज किट हमने देख लिया, फर्स्ट नंबर का किट गया, सेकेंड नंबर का किट जो मेरे नाम से बिल्कुल है राज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये सेकेंड नंबर का किट है। तो इस तरह से आप किट वाई किट भी अपने सैंपल्स देख सकते हैं, अपने लूप देख सकते हैं कि कौन से नंबर पर कौन सा किट है और कौन सा लूप उसमें असाइन है। तो यूटिलिटी पे ही आना है,
वेव लिस्ट में ही जाना, और वेव लिस्ट के जाने के बाद में ही आपका सारा ये काम हो जाएगा। मान लीजिए असाइन लिस्ट से वापस बाहर निकलना है, तो ये असाइन लिस्ट पे क्लिक किया हुआ था, कर्सर की हेल्प से वापस ऊपर जाएंगे, नंबर लिस्ट पे ओके करेंगे, बिल्कुल वही नंबर लिस्ट वाली पूरी आ गई है। तो ये थी आज की वो तीनों इंपॉर्टेंट सेटिंग, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको इसके रिलेटेड, इस आज की वीडियो के रिलेटेड अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, एंड अदरवाइज भी अगर कोई कमेंट्स है, तो आप प्लीज इस वीडियो सेक्शन में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड उस पर इफ पॉसिबल अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट कॉन्टेंट लेके आएंगे। अगर आपकी छोटी सी समस्या है तो उस पर ही वहीं पर कमेंट में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब कभी नेक्स्ट टाइम ऐसे कंटेंट लेके आए तब सबसे पहले इसका अपडेट्स आप तक पहुंचे। तो आज के कॉन्टेंट में, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्टेंट के साथ में। तब तक के लिए सभी म्यूजिशियन भाइयों को जय माशाल्लाह।